हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुबैर आलम खान एंड वेलकम टू द कोचिंग वाला। और आज हम बात कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति केबीसी सीजन 13 की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो का, जो कि है सेकंड स्टेज आईवीआर कॉल एनटीसी क्वेश्चन कॉमन मिस्टेक्स एंड टिप्स। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमने केबीसी सीजन 13 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली 9 बजे जो केबीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर और डिटेल्स उसके साथ शेयर करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रजिस्टर करें। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट केबीसी में रजिस्टर करने के लिए आप जल्द से जल्दी उस आंसर को देख पाए। सो आज हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ केबीसी रजिस्ट्रेशन। हम जानते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ केबीसी जो कि है रजिस्ट्रेशन बाय एसएमएस एंड सोनी लिव ऐप, और रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 10th में से स्टार्ट हो चुके हैं। हम डेली उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रात को 9 बजे जैसे ही लाइव होता है आपके लिए शेयर करते हैं और उसके साथ प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप रजिस्टर कर सके। सो मीनवाइल रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है, आप 10th में से 20th में तक SMS के थ्रू और सोनी लिव ऐप के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाने के लिए डाला है कि जब आप रजिस्टर करते हैं सोनी लिव ऐप के थ्रू तो आपको इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द केबीसी टीम विल कनेक्ट यू इन 15 डेज। केबीसी रजिस्ट्रेशन 10th में 20th में, बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपका आंसर रजिस्टर हो गया है और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो अगले 15 दिन में आपके पास कॉल आएगी। और क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं और हमारे प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 से 6 दिन बाद कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, सो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मे बी सेकेंड स्टेज की शुरुआत हो जाएगी जो कि है कॉल बाय केबीसी टीम। सो सेकेंड स्टेज में एक कॉल आती है केबीसी टीम के थ्रू और आपको ये कॉल अटेंड कर उसमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है जिसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी इसलिए हम तैयार रहना चाहते हैं सेकंड स्टेज के लिए भी, तो आज उसके डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहली बात तो ये आईवीआर कॉल होगी, कंप्यूटर जनरेटेड कॉल, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं बैंक वगैरह में जब आप कॉल करते हैं तो आईवीआर कॉल का लोगों को आइडिया होगा। तो जब आप कॉल करते हैं तो कहते हैं कि 1 दबाएं, इस ऑप्शन के लिए 2 दबाएं, इसी तरह की एक ऑटोमेटेड कॉल आएगी। और इस कॉल में 2 क्वेश्चन जो होंगे, पहले उसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको जैसे नॉर्मली केबीसी में होता है, 2 क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस ABCD और आपको करेक्ट आंसर वहां टाइप करना है। लेकिन जो 3rd क्वेश्चन होता है वो एक NTC क्वेश्चन होता है जिसे नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और ये नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन क्या है बेसिकली, कि इसमें आपको आंसर टाइप करना पड़ता है आपके कीपैड पर। तो बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका नंबर्स में कुछ आंसर होगा और आपको वो अपने कीपैड पे टाइप करना होगा। सो नॉर्मली लोगों को ये आइडिया नहीं होता है इसलिए वो उस टाइम पे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और सही आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए हम उसकी तैयारी पहले से ही करके रखेंगे, अपना माइंड मेकअप करके रखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो देखिए कॉमन मिस्टेक्स एंड टिप्स मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो बाकी मेरे कॉन्टेक्ट में लोग थे जिन लोगों को पिछले सालों में कॉल्स आई, जो कुछ लोग आगे स्टेजेस तक पहुंच पाए और मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए एक समरी बनाई है ताकि आपका एक माइंड मेकअप हो जाए और आप ये कॉमन मिस्टेक्स ना कर पाए और इन टिप्स की मदद से आप एक बेटर प्रिपेयर्ड रहें ताकि ये जो गोल्डन चांस है आप इसे मिस ना करें। एनश्योर टू पिक द कॉल, सो बेसिकली देखिए कॉल आनी है और वो आपको पिक करनी है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी टिप है बट ये एक नेसेसरी टिप है बिकॉज मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मेरे कुछ लोगों ने भी मुझे पिछले सालों में कुछ बताया था कि उनसे कॉल ही मिस हो गई, यानी कि उन्होंने देखा और कॉल तब आई थी और उनके पास था नहीं फोन या किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप थोड़ा ये ट्राई करें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब तक चल रहा है उससे अपना अगले 15 दिन तक फोन को बहुत ज्यादा मॉनिटर रखें। और एज पर एक्सपीरियंस हमने ये नोटिस किया है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही कॉल आएगी, यानी कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक का आप एक टाइम पीरियड रफली ले सकते हैं। ये एक एस्टिमेट है, कोई कहीं लिखी हुई चीज नहीं है बट हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात कह रहे हैं। और ट्राई कीजिए कि आप अपना फोन साइलेंट मोड पे ना करें इस दौरान, तो प्लीज एंश्योर टू पिक द कॉल। नेक्स्ट, डू नॉट पैनिक। देखिए जैसे ही कॉल आती है हमें पता चल जाता है, एक हिंट आ जाता है कि शायद ये वही कॉल है और लोग हड़बड़ी में उनका फोन लॉक्ड होता है या कुछ और बटन प्रेस हो जाता है। मे बी एक कई एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए कि कॉल गलती से कट हो गया या साइलेंट हो गया या म्यूट हो गया, इस तरीके के इश्यूज आ जाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको पहले से एक माइंड प्रिपेयर करके रखना है। देखिए केबीसी जो है वो सिर्फ आपका ज्ञान का टेस्ट नहीं ले रहा है, आप ज्ञान तो सभी के पास है, नॉलेज हर किसी के पास होती है। केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे आप डिटेल में एनालिसिस देखें तो आपको पता चलेगा कि वो बेसिकली अंडर प्रेशर आपका नॉलेज टेस्ट ले रहा है। आप प्रेशर के अंडर में रहते हुए कैसे करेक्ट नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं वो एक बहुत ही बेसिक फंडा है केबीसी का। जब यहां से नहीं, ये स्टार्ट हो जाता है सेकंड स्टेज से ही,
और आपके एंड तक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और आप इवन हॉट सीट पे भी जब पहुंच जाएंगे तब भी पॉइंट डेज के वो क्वेश्चन जब आप रिलैक्स होकर बैठे होंगे तो आपको बहुत आराम से आंसर होगा, पता होगा उसका। बट जब आपके सर पर प्रेशर होगा उस टाइम पे प्रेशर में वो आंसर करेक्टली प्रोड्यूस करना केबीसी की एक बहुत ही मेजर ट्रिक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही एक सजेशन है कि आपको आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाएंगे, आपको आते हैं, आपको सिर्फ पैनिक नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट प्रेस रॉन्ग बटन्स इन एक्साइटमेंट, जैसे कि मैंने बताया ये हुआ है लोगों के साथ, इसीलिए मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि आपको सही आंसर्स भी आते होंगे लेकिन हड़बड़ी में आपने ऑप्शन सुना और आप जल्दी से सोच रहे हैं कि टाइम ना हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, जल्दी से उसे आप गलत बटन प्रेस कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छे से आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, बट टाइम इतना मिलता है कि आप आंसर सुने फिर आराम से प्रेस करें। तो डू नॉट पैनिक, डू नॉट प्रेस रॉन्ग बटन्स इन एक्साइटमेंट, लिसन केयरफुली विद ऑल ऑप्शंस एंड देन प्रोसीड। यस, यहाँ पे भी देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतना ईजी होता है कि आपको ऑप्शंस के बिना ही उसका आंसर पता होगा, लेकिन आपको वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि आपको नहीं पता बेसिकली कि कौन से वाले ऑप्शन पे वो करेक्ट आंसर है और ऑप्शंस भी बहुत ही मिलते जुलते भी हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली पूरा क्वेश्चन सुनना है। आपको क्वेश्चन आता है वेरी गुड, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आपको सारे ऑप्शन सुनने हैं और फिर आराम से उस बटन को प्रेस करना है ताकि आपका क्वेश्चन प्रॉपरली रजिस्टर हो जाए। ये समझिए कि यहाँ पर कोई इंसान आपकी बात सुन के उसे सही गलत नहीं कर सकता, एक आईवीआर कॉल है जिसपे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आपको आंसर रजिस्टर कराने हैं। सो अभी तक एनश्योर टू पिक द कॉल, डू नॉट पैनिक, डू नॉट प्रेस रॉन्ग बटन्स इन एक्साइटमेंट, लिसन केयरफुली विद ऑल ऑप्शंस एंड देन प्रोसीड। नेक्स्ट, कीप अ वॉच ऑन टाइम। सो ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अनलिमिटेड टाइम मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया अंडर प्रेशर है आप उस वक्त और आपको आंसर देना है, तो ये मत सोचिएगा कि अभी तो हम सुन रहे हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा और सोच लेते हैं या इधर उधर से कहीं और कंसल्ट कर लेते हैं तब हम आंसर प्रेस करें। नहीं, वहां पर इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप कहीं और से कंसल्ट करके उसे क्रॉस चेक करने के लिए भी कोई लोग सोच लेते हैं कि मुझे पता तो है बट चलो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कहीं देख लेते हैं या किसी और से पूछ लेते हैं, इतना टाइम नहीं है। आप वहां पर आंसर इजी होगा, पूरा ऑप्शन सुनिए और वहां पर आंसर दीजिए, नहीं तो समय समाप्ति की घोषणा जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है केबीसी में वो फोन पर भी हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट, लास्ट एनटीसी क्वेश्चन। सो बेसिकली नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन की डिटेल बारे में एक बार पता कर लेते हैं कि क्या है। सो जो दो क्वेश्चन शुरुआत में आपको मिलेंगे वो चार ऑप्शन के साथ मिलेंगे, आपने सही ऑप्शन प्रेस किया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो फाइनल कंक्लूसिव क्वेश्चन होगा, उसमें एक बहुत ही खास चीज की जरूरत है, वो ये है कि वो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो, उसमें आपको कोई नंबर पंच भी करना पड़ सकता है और वो एनटीसी क्वेश्चन ही होता है, उसमें एक फिगर होती है, वो क्वेश्चन इस तरह से मैन्युफैक्चर्ड होता है कि उसमें एक फिगर आपको उसमें एक्यूरेटली उसमें टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आपको 8848 एक नंबर वहां पे पंच करना है और नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर रखना है, इतना ज्यादा हौच-पौच होके आपको जल्दबाजी में गलत नहीं दबा देना है, सिंपली वो क्वेश्चन सुनना है, एक दो सेकंड का अपने दिमाग में थॉट देना है और भी बहुत ही कामली वो नंबर अपने कीपैड पर टाइप करके पंच करना है। और खास बात, जब आप वो नंबर पंच कर देंगे जो भी आपका आंसर है उसके बाद हैश बटन दबाना ना भूलें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको अपनी एंट्री के बाद एक हैश बटन उसमें प्रेस करना है। इस तरीके से आपका ये सेकेंड स्टेप जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे और जैसा कि प्रीवियस सालों में एक्सपीरियंस रहा है और आप देख रहे होंगे कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस भी, जो अगर आप हमारी सीरीज फॉलो करते हैं तो देखेंगे कि देखिए कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस के साथ भी मैं उनकी डिटेल्स डालता हूं इसीलिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी करंट रिलेटेड टॉपिक से जरूर हो सकते हैं, जैसे कि बंगाल के इलेक्शंस हुए हैं, अभी कंट्री वाइड इलेक्शंस चले हैं, नोबल प्राइजेस हैं या कुछ एक मेजर चेंजेस हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक मेरा अनुमान है कि कालका एक्सप्रेस थी उसका नाम भी चेंज किया गया है, तो इस तरीके के करंट रिलेटेड ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो आपको करंट अपना थोड़ा पिछले एक महीने का दो महीने का और आप जो करंट अभी चल रहा है उसे थोड़ा अपडेटेड रखिए, क्वेश्चंस इजी होंगे, पैनिक नहीं करना है और प्रॉपरली उन चीजों को आंसर करना है। तो ये है हमारी सेकंड स्टेज। आई विश ऑल द व्यूअर्स ऑल द बेस्ट, हॉट सीट इज वेटिंग फॉर यू, जस्ट क्लियर द सेकंड स्टेज एंड प्रोसीड फर्दर। थैंक यू ऑल, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।
keep safe and follow all COVID protocols. Thanks a lot.